हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हार्ट की बीमारी होती है वो ज़्यादातर सर्दियों में ही परेशान क्यों करती है, और हार्ट अटैक मोस्टली सर्दियों में ही जब ये बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तभी क्यों होते हैं। तो आइए हम लोग आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि सर्दियों में ही ये परेशान क्यों करती है और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, कि क्या कुछ आप सावधानी रखें जिससे आप हार्ट अटैक से बच सकें। तो बात करते हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसके घर में भी हार्ट पेशेंट हैं तो वो इस बात का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हार्ट की जो बीमारी थी उसकी वजह से मैंने भी अपने किसी बहुत मतलब जो दुनिया का सबसे मोस्ट प्यारा व्यक्ति होता है उसे खोया है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के घर में भी कोई हार्ट पेशेंट हो तो उसके साथ ऐसा हो। तो आज के वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और जो भी सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए वो इसमें आप वीडियो को देखेंगे तभी जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात होती है कि सर्दियों में ही हार्ट अटैक क्यों ज़्यादा होता है। तो वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सर्दियों में जो हम लोगों की नसें होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। तो जो हार्ट तक जो भी ब्लड हम लोगों का जाता है तो वो अच्छे से नहीं जा पाता, उसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसी ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है। तो आप लोगों को सर्दी से ज़्यादा बचना चाहिए। जिसको भी हार्ट की डिजीज़ है तो वो सर्दी के मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें और सर्दी से बिल्कुल बच के रहें। और दूसरा रीज़न ये होता है कि सर्दी में जो एटमॉस्फियर होता है वो आपने देखा होगा, सर्दियों के मौसम में खुलापन नहीं होता है, जो हमारा वातावरण होता है वो काफ़ी बंद सा हो जाता है, जैसे ओस रहती है, कोहरा रहता है और बिल्कुल बंद सीजन हो जाता है, बिल्कुल उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऐसा मौसम होता है ओस वाला, कोहरे वाला, तो उसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है और हम लोगों के हार्ट तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, हम लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। मतलब जो भी हार्ट पेशेंट हैं उन्हें सांस की शिकायत बढ़ जाती है, उनको सांस मुश्किल से आने लगती है। ये सब कुछ होता है ज़्यादा सर्दी की वजह से। तो सर्दी में हार्ट पेशेंट को बहुत बच के रहना है। जो भी आपके घर में हार्ट पेशेंट अगर हैं तो उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी से बचाइए। हम लोगों के जो लंग्स होते हैं वो भी अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सर्दी की वजह से। तो अपने लंग्स के लिए जो भी आप अच्छे से मतलब जो भी दवा कर रहे हैं डॉक्टर की, तो वो अच्छे से उसको खाइए, अपने टाइम टू टाइम खाइए। तो और एक रीज़न और भी है हार्ट पेशेंट में, क्या होता है जैसे न्यू ईयर आ रहा है क्रिसमस आ रहा है, तो हम लोग अच्छे से उसको एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए तला, चिकना, इस टाइप की चीज़ें खाना बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी खुशी में हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग एंजॉयमेंट में आकर क्या नुकसान की चीज़ें खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हार्ट पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। चिकनी चीज़ अभिशाप है बिल्कुल हार्ट पेशेंट के लिए, क्योंकि जो जो वसा होती है वो हमारी बॉडी की जो नसें होती हैं उनमें इकट्ठी होने लगती है, जिससे जो खून का बहाव है वो धीमा पड़ जाता है और हार्ट तक खून अच्छे से पंप नहीं हो पाता है। हार्ट का काम है ब्लड को अच्छे से पंप करना, वो काम वो अपना अच्छे से नहीं कर पाता, इसकी वजह से भी हार्ट अटैक होता है। तो आप लोगों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सर्दियों में और जिनका बीपी हाई होता है वो भी इस पर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बीपी हाई जिनका होता है उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि मैं दवा ना खाऊं और बीपी जो जब बढ़ जाएगा बीपी तब मैं दवा खा लूँगा, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बीपी की दवा रेगुलर खानी चाहिए आपको, क्योंकि बीपी की दवा का काम ही यही होता है कि आपके ब्लड को वो पतला करती है, और जब ब्लड पतला हो जाता है तो वो अच्छे से नलिकाओं में बहता है और पूरी बॉडी के फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करता है। तो आप लोग बीपी की दवा को बिल्कुल भी ये मत समझिए कि जब होगा बीपी तब खाएंगे, उसी को आपको रेगुलर खाना है। तो ये सब बातें अगर हार्ट पेशेंट ध्यान रखेंगे तो सर्दी में भी उन पर कुछ भी नहीं होगा। और कैसे और क्या सावधानी बरतनी है ये भी आपको बताते हैं। जैसे आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनको हीटर है आपके, तो उनको बहुत ज़्यादा लग रहा था, उनको हीटर से तपाइए, उनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगनी चाहिए, अच्छे से
मोजे पहने, टोपे पहने, अच्छे से बिल्कुल शरीर को कवर रखें, जितना वार्म रखेंगे बॉडी को उतना ही ब्लड सर्कुलेशन उनका अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने भी नसें हैं वो हम लोगों की बहुत सुकड़ जाती हैं और बहुत ब्लड का जो वो होता है तो जो स्पीड होती है ब्लड की बहुत धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को प्रॉब्लम होती है, वो अपना वर्क ठीक से नहीं कर पाता है। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनको अच्छे से आप पहनाव ओढ़ा के रखिए, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चे एक सही हो जाते हैं, शायद वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना। और सिर्फ बुजुर्ग की बात नहीं है, जो भी हार्ट की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, तो जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम वो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। और सर्दी में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको अपना, और डॉक्टर ने जो भी आपको हार्ट की और बीपी की दवाइयाँ दी हैं, बढ़ा हुआ बीपी और हार्ट दोनों का बहुत संबंध है, तो हार्ट और बीपी की जो भी दवाइयाँ आपको दी हैं वो आप अच्छे से उनको डेली खाइए, उसमें लापरवाही बिल्कुल मत करिए। और तला चिकना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, तला चिकना जितना खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी को नुकसान होगा। बिल्कुल सिंपल खाना खाइए, और जो आपकी बॉडी को जो चीज़ें गर्म रख सकती हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो सब आप खाते रहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का जो वसा होती है, ड्राई फ्रूट्स में जो वो अच्छी वसा होती है वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो आपको ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट होता है। और इसके अलावा आप सर्दी से बिल्कुल जितना बच के रहेंगे, और जो लोग सर्दी में जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं सर्दी में, तो वो लोग अपने मॉर्निंग वॉक का टाइम बदल दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मॉर्निंग वॉक के टाइम में ही किसी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपके जो बुजुर्ग जिनको मॉर्निंग वॉक करने का आदत है, तो उनको आप थोड़ा जब धूप निकल आए तब आप मॉर्निंग वॉक पे भेज दिए, थोड़ी देर के लिए ही मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, मतलब ऐसा ना हो कि आप अर्ली मॉर्निंग उनको भेज रहे हैं, उनको बिल्कुल भी मना कर दीजिए। सुबह सुबह रजाई में ही बैठें, और मॉर्निंग वॉक जब करनी हो तो जब धूप हो जाए तब जाके करें। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जितनी भी सर्दी होगी आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगी, और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और अच्छे बने रहेंगे। तो मैंने ये सब बातें इसलिए आपको बताई थी क्योंकि मेरी खुद की मम्मी भी इसी बीमारी से उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उनको भी ऐसे ही अचानक हार्ट अटैक हो गया था। और जितने भी जैसे दिमाग की नस फटने का जो बीमारी होती है और हार्ट अटैक होता है, सर्दियों में ही ज़्यादा उसका खतरा होता है। तो आप सब इस बात को ध्यान रखना, और वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाया था कि जो लोग भूल जाते हैं कि सर्दी आ गई है और वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे गर्मी में कर रहे थे, तो ये बहुत गलत है। सर्दी में आपको हार्ट पेशेंट को मोस्टली बहुत ध्यान रखना है अपना, और सर्दी से बिल्कुल बच के रहना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी कुछ मैंने बातें बताई हैं उनको प्लीज़ आप लोगों को ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, आपकी अपनी फ्रेंड रियल वन मधु ब्लॉगर। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा।